समरजोन स्कूल में इस बार पिछड़ा बारहवीं का रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉयज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे समरजोन के रिजल्ट के परसेंटेज के बारे में। आप लोगों को बता दें कि बारहवीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया है और बारहवीं क्लास के बच्चे जो लगातार अपने अभी तमाम कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिशन कब ओपन होगा। आपको क्लियर करवा दें कि 15 तारीख को लगभग आपका CBSE बोर्ड का रिजल्ट का निकलने वाला है। जैसे ही CBSE बोर्ड का रिजल्ट निकलता है उसके बाद आप लोगों के कॉलेज में एडमिशन ओपन होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चाहे आप लोगों को परेड कॉलेज जम्मू में एडमिशन लेनी है, जहाँ आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड तमाम जितने भी डिग्री कॉलेज हैं जम्मू डिवीजन्स में, MM कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, वुमेन गांधी कॉलेज, या जितने भी कॉलेज हैं जम्मू डिवीजन्स में, खासकर GDC कठुआ से लेकर GDC रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ रामबन रियासी रजौरी पुंछ जितने भी 84 कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में एडमिशन जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। क्योंकि जेके बोस ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया, अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट 15 तारीख के आसपास आने वाला है। तमाम कॉलेज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे नोटिफिकेशन ऑन होता है हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम पूरे सब्जेक्ट यानी कि पाँचों के पांच सब्जेक्ट पास होने चाहिए। कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से अपने अपने कॉलेज में विजिट करके आपको एडमिशन लेनी होगी, बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आप लोगों को बता दें कि कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन तरीके से भी होती है। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे आप लोगों को डिटेल जानकारी वीडियो के जरिए दे देंगे, बट आप लोगों को बता दें कि न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल छपा है। आर्टिकल के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोर्ड की ओर से वीरवार को जारी किया गया समर जोन के बारहवीं कक्षा के परिणाम पिछले दो वर्षों के मुकाबले में गिरावट बढ़ाई है। 2020 में रिजल्ट 70% जबकि 2021 में 89% रहा। 2022 में परिणाम 70% है, जिसमें 9% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बार संख्या के टॉपर्स के अंक पिछले दो सालों के टॉपर से अधिक है। मेरिट सूची में जम्मू जिला अव्वल रहा है। आप लोगों को बता दें डिस्ट्रिक्ट जम्मू में तमाम जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा टॉप जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने ही किया है। आप लोगों को बता दें जम्मू डिविजन्स में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही है। मेरिट सूची में जम्मू जिला अव्वल रहा है। इस बार बारहवीं की परीक्षा में 53,939 विद्यार्थी बैठे थे, उसमें से 37,636 बच्चे जो है सफल हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास बच्चे इस बार फेल और रिपेयर हुए हैं, जिसमें आप लोगों को बता दें कि पिछले साल की मात्रा में इस बार ज़्यादा बच्चे रिपेयर हुए हैं। आपको क्लियर करवा दें कि बारहवीं कक्षा के रिजल्ट से इस बार 995 विद्यार्थी बिल्कुल फेल हो गए हैं। 995 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पाँचों के पाँच सब्जेक्ट जो हैं फेल हो गए हैं, बल्कि 15,444 ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिपेयर आए हैं। आपको बता दें कि रिपेयर वाले के लिए अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, प्राइवेट फॉर्म जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए। जैसे आप प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको बता देंगे। रिवेल्यूशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया, जिसका वीडियो हमने डाल दिया है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वॉइस यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी। आपको बता दें कि जिन स्कूलों का रिकॉर्ड ख़राब आया है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट 20% से आसपास आया है, जहां पर आपको बता दें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक निर्देशक जम्मू के अनुसार परिणाम सूची की विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई है। इस जांच कमेटी के मुताबिक उन स्कूलों की जांच की जाएगी जिन स्कूलों का रिजल्ट जो है वह सही तरीके से नहीं आया, उन स्कूलों को बंद करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बारहवीं कक्षा की मेरिट सूची जम्मू जिले का दबदबा रहा है। मेरिट सूची में जम्मू जिले के 182 निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने स्थान हासिल किया है। आप लोगों को बता दें अच्छे मार्क्स भी बच्चों ने अपटेन किए हैं, बट रिपेयर भी काफ़ी बच्चे रहे हैं इस बार पिछले के मुकाबले में। आपको बता दें कि 10वीं क्लास का रिजल्ट भी इसी हफ्ते में आने की उम्मीद है। 10वीं क्लास का पहले एक अनफेयर UFM कमेटी मीटिंग होगा। UFM कमेटी मीटिंग का मतलब होता है कि 10वीं क्लास के उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिन बच्चों ने नकल वगैरह की है, उनका एक मीटिंग होगा। मीटिंग होने के दूसरे या तीसरे दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मीटिंग को लेकर नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और मीटिंग में उन बच्चों के रोल नंबर होंगे जिन बच्चों ने नकल वगैरह की होगी, उनको बोर्ड में बुलाया जाएगा और उनके पेरेंट्स वगैरह भी बुलाए जाएंगे और वहां पे एक मीटिंग हेल्ड होगी और जो उनका डिसीजन होगा डिसीजन के दूसरे या तीसरे दिन जल्द देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दें कि ये लास्ट अब महीना है और इसी महीने में इसी हफ्ते में आपका 10वीं का रिजल्ट निकलने वाला है और 11वीं क्लास का रिजल्ट 25 के आसपास ही निकलने की उम्मीद है। लगातार पेज से जुड़े रहें आने वाले अपडेट्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स भी कवर कर रहे हैं और ऑल अराउंड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें रेड वाले बटन से और वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट।